नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। इस सर्द भरे मौसम में कोहरे की धुंध यूपी में कुछ ज्यादा ही है, जिसका असर शायद यूपी की राजनीति पर भी पड़ रहा है। कहीं यही वजह तो नहीं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव इन दिनों कंफ्यूज से नजर आ रहे हैं कि किस रास्ते पर चलकर दिल्ली पहुंचा जाए, वही पुराने यूपी वाले रास्ते से या फिर यूपी के साथ ही दूसरे यूपी के रास्ते से। दरअसल 2019 में मोदी से टक्कर लेने के लिए अंदरखाने में ही इन दोनों नायडू और केसीआर के दो अलग फ्रंट आकार ले रहे हैं। नायडू वाले फ्रंट में जहां कांग्रेस शामिल है, तो वहीं केसीआर वाले फ्रंट में ममता बनर्जी और नवीन पटनायक के शामिल होने की चर्चाएं हैं। अभी तक कांग्रेस के साथ नजर आ रहे अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में उनके विधायक को मंत्री पद न मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। इसी नाराजगी के बहाने उन्होंने लगे हाथ केसीआर से मुलाकात की भी हामी भर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को जो सपने दिखाए थे, उन तमाम सपनों पर कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। आज 4.5 साल के कार्यकाल की सच्चाई जनता के सामने है और उत्तर प्रदेश की भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाकामी जनता के सामने है। इसीलिए लगातार देश में गठबंधन हो, देश में महागठबंधन हो, किस रूप में सभी दल एक साथ आएं, इसका प्रयास पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है। मैं बधाई देता हूं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी को कि इस प्रयास में वो काम कर रहे हैं। मेरी उनसे बात हुई थी और 25 या 26 को मिलना था, लेकिन मैं दोबारा उनसे समय मांगूंगा और मैं खुद उनसे मिलने हैदराबाद जाऊँगा। आने वाले समय में उनका भी एक प्रयास है कि किस तरीके से रीजनल पार्टी या एक फेडरल फ्रंट बने। उनकी कोशिश है कि एक फेडरल फ्रंट देश में बने। केसीआर के साथ सियासी बिरयानी पकाने खुद हैदराबाद जाने का ऐलान करने वाले अखिलेश यादव हालांकि अभी तक यूपी में ही बीएसपी के साथ गठबंधन नहीं कर सके हैं। उपचुनाव में साथ उतरने वाले सपा बीएसपी के बीच गठबंधन को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, तो वहीं मध्य प्रदेश में अखिलेश कांग्रेस के साथ सरकार में शामिल है। लेकिन केसीआर के प्रस्ताव के बाद अब कांग्रेस पर भी आंखें तरे रहे हैं। सियासी पंडितों का मानना है कि केसीआर पटनायक, ममता और अखिलेश माया को मिलाकर गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी फ्रंट खड़ा कर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को 2019 में चुनौती देने का प्लान बना रही है। ये सभी क्षेत्रीय नेता अपने अपने राज्यों में बड़ी ताकत हैं। ऐसे में अगर ये सभी साथ आ जाते हैं, यूपी की 80 और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना की 80 सीटें यानी कुल 160 लोकसभा सीटों पर इन पार्टियों का प्रभाव होगा, जिससे ये दल चुनाव के बाद तीसरे विकल्प के रूप में भी उभर सकते हैं। शायद यही वजह है कि अखिलेश का झुकाव कांग्रेस के बाद अब केसीआर प्लान की ओर कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। कुल मिलाकर अभी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने वाले अखिलेश यादव किस ओर करवट लेते हैं, कांग्रेस नीत गठबंधन की तरफ या फिर केसीआर प्लान की तरफ, ये फिलहाल केसीआर और अखिलेश की हैदराबाद में होने वाली मुलाकात के बाद ही साफ हो पाएगा।